हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। आज मैं आपको आपसे शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा प्रोसीजर जिससे आपकी आईब्रोज दोबारा से यंग लग सकती हैं, अट्रैक्टिव लग सकती हैं और आप मनचाही आईब्रोज क्रिएट कर सकते हैं। सो आप जानते हैं, इसके लिए हमारे पास एक विकल्प है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसको आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। लेकिन सब लोग सर्जरी नहीं चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि नॉन सर्जिकल हम आईब्रोज को बेटर करें, उसको एक अच्छी शेप दें। तो क्या रास्ता है हमारे पास नॉन सर्जिकली आईब्रोज को एक अच्छा लुक देने का? सो वी हैव गॉट अ वेरी न्यू टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग। तो माइक्रो ब्लेडिंग, ये ब्लेडिंग एक टेक्निक है जिसमें हम एक स्पेशल डाई के द्वारा और स्पेशल ब्लेड के द्वारा आईब्रोज की शेप को रीफ्रेम कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं और मनचाही शेप और फॉर्म दे सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा फेस काफ़ी यंग और अट्रैक्टिव लग सकता है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये माइक्रो ब्लेडिंग कैसे की जाती है और क्या रिजल्ट हमें मिल सकते हैं माइक्रो ब्लेडिंग से। इसमें हम आईलिड क्रीज को क्रिएट कर रहे हैं माइक्रो ब्लेडिंग टेक्निक के द्वारा। माइक्रो ब्लेडिंग एक माइक्रो टैटूइंग जैसी टेक्निक है जिसमें हम आईब्रोज की शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं नॉन सर्जिकली। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम मार्किंग करें। आप ये देख रहे हैं, ये माइक्रो ब्लेडिंग के स्पेशल ब्लेड्स हैं जो माइक्रो ब्लेडिंग में यूज़ किए जाते हैं और इन माइक्रो ब्लेडिंग के ब्लेड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं मार्क करने के लिए, शेप देने के लिए आईब्रोज का, जो हमने शेप डिफाइन किया है। इसमें स्पेशल इंक का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो स्पेशल मार्कर है हमारा, माइक्रो ब्लेडिंग पेन है हमारा, इसको माइक्रो ब्लेडर बोला जाता है। इसके थ्रू इस इंक को हम डीपली एम्बेड करते हैं इन आईब्रोज, सो दैट ये आईब्रोज को एक अच्छा शेप दे सके, एक अच्छा लुक दे सके नॉन सर्जिकली। इसमें डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में हम इन मार्किंग्स को कर रहे हैं, और डेप्थ भी इम्पॉर्टेंट है, किस डेप्थ में हम इन मार्किंग्स को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो हम स्ट्रोक्स बना रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं टू अवर नॉर्मल हेयर। डायरेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, किस डायरेक्शन में हम इन स्ट्रोक्स को बना रहे हैं। और ऐसे ही जो हम शेप बनाते हैं आईब्रोज का, वो बहुत एक्यूरेट एंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे माइक्रो ब्लेडिंग के रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। And after making all the strokes, we cover this microblading marks with the tattooing ink.
हेयर वी आर डूइंग द टचअप सेशंस, जहाँ हमको लग रहा है जिस एरिया में मार्किंग्स कम है उसको हम दोबारा से चेक कर रहे हैं, उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं। Finished the micro tattooing. And you can see the results of this micro tattooing before and after.